वे बोले मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है आप चाहें तो आज शाम ही होश पूर्वक विकास कर सकते हैं इंसान के विकास की कोई सीमा नहीं है यह चीज हर इंसान को करनी चाहिए फिर लोगों का मेलजोल बेहद फायदेमंद होगा जब गौतम बुद्ध से पूछा गया अकेले चलना बेहतर है या साथ में वे बोले मूर्ख के साथ चलने से अकेले चलना बेहतर है ये उन्होंने बोला मैंने नहीं उन्हें यकीन था कि एक मूर्ख ही आपके साथ चलेगा तो वे बोले मूर्ख के साथ चलने से अच्छा है अकेले चलना इस देश में ऐसा कहा जाता है अगर आप एक छोटी और जल्द यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चले और जब आप लंबी यात्रा चाहते हैं तो लोगों के साथ चलें। पर महत्वपूर्ण यह है कि आपके साथ कौन है साथ रहना हमेशा अच्छा नहीं होता कई बार साथ रहना परेशानी बन सकता है तो सबसे पहले और जरूरी बात जब तक आप जुड़वा न हो हो तब भी हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं अगर कोई अकेले अच्छे से रहना नहीं जानता या जानती तो साथ रहना परेशानी हो सकता है हमें मनुष्य कहा जाता है मनुष्य के अलावा हर दूसरा प्राणी अपने काम की वजह से वैसा प्राणी कहलाता है पर मनुष्य बस हो सकते हैं यह इंसान का अनूठा गुण है कि हम बस हो सकते हैं मतलब यह कि हमें आदतों से मजबूर चीजें नहीं करनी पड़ती हमारे काम सचेत और समझदार हैं। पर आमतौर पर जब लोग इकट्ठे होते हैं आमतौर पर वे आदतों से मजबूर होकर चीजें करते हैं यह एक संघ हो सकता है जहां उद्देश्य होता है या एक गैंग हो सकता है जहां मकसद होता है या भीड़ जो आदतों के हिसाब से चलती है तो मूल रूप से मनुष्य होना यानी हम खुद में इतने विकसित हो गए हैं कि अगर हम चाहें तो बस यूं ही बैठ सकते हैं बस हो सकते हैं हम सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बिल्कुल व्यक्तिगत है जब लोग जुड़ते हैं तो हम शब्द का प्रयोग होता है पर फिर भी ये व्यक्तियों को जुड़ना पड़ता है एक व्यक्ति यानी अब आपके और टुकड़े नहीं हो सकते यानी आप बस एक हैं लोग खुद को अपने ही अंदर बांटने के कई तरीके खोजते हैं भारत की दस हजार साल की संस्कृति ने खुद को अपने ही अंदर बांटने के कई शब्द खोजे हैं लोगों के लिए आत्मा परमात्मा अहंकार इन चीजों की बातें करना बहुत आम है पर हर संस्कृति में ऐसे अलग तरीके होते हैं जब चीजें अच्छे से नहीं चलती हैं अगर चीजें अच्छी होंगी और आप लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे हां मैंने किया जब चीजें गलत होती हैं जब गलतियां होती हैं तो लोग किसी पर दोष डालते हैं कोई नहीं मिलता तो वो तो है ही जब वे अद्भुत चीजें करते हैं तो उन्हें गर्व जरूर होता है कि वे कितने अद्भुत हैं पर बुरी चीजें करके कहते हैं यह मेरा अहंकार था दोष हमेशा अहंकार पर डाला जाता है तो व्यक्ति यानी अद्भुत काम भी मेरे हैं और बुरे काम भी क्या आप लोग चौबीसों घंटे अद्भुत होते हैं हेलो क्या आप हमेशा अद्भुत होते हैं नहीं नहीं कभी अद्भुत कभी बुरे कभी सुंदर तो कभी बदसूरत ठीक है अगर हम ये समझें कि मैं खुद ही बिल्कुल अद्भुत और मैं खुद ही एक पल में बिल्कुल बुरा भी हो सकता हूं तो कड़वाहट के पलों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी जो अद्भुत है वो मैं हूं जो बुरा है भारत में ऐसे कई शब्द हैं ये मेरा कर्म है मैं क्या करूं नहीं आप इसे ठीक करें एक व्यक्ति होना बहुत जरूरी है एक व्यक्ति यानी आप खुद को और नहीं बांट सकते अद्भुत काम भी मेरे हैं और बुरे काम भी सफलता भी मेरी है और असफलता भी आपको यह समझना होगा मैं आपसे एक सरल सवाल पूछ रहा हूं इसमें कितने लोग हैं हेलो आपके अंदर कितने लोग हैं एक दो सिर्फ एक अगर आप एक हैं तो आप एक सामान्य इंसान हैं। एक से ज्यादा या तो उसकी या किसी और ने कब्जा कर रखा है आपको एक मनोचिकित्सक या एक ओझा की जरूरत है पर आप देखेंगे कि जब कोई गलती होगी तो आप एक से ज्यादा हो जाएंगे अचानक तो एक व्यक्ति बनना यानी आपने सभी टुकड़े मिटाकर कहा बस मैं हूं ये जो मैं हूं इसके कई आयाम हैं अगर इसे एक इकाई न मानकर हिस्सों में बांटा जाए तो रूपांतरण नहीं होगा अगर बदलाव नहीं होता है इफ पीपुल कम टूगेदर इन दैट स्टेट देर बी मोर मैस देन सोल्यूशन और वैसे लोग जुड़ेंगे तो समाधान से ज्यादा गड़बड़ होगी सभी जीव एक साथ रहते हैं हर तरह के जंगली जानवर अक्सर एक साथ घूमते हैं बंदर भी जो हमसे सिर्फ एक कदम पीछे हैं वे भी झुंड में रहते हैं सिर्फ मनुष्य ही अकेले बैठकर खुद को बदल सकता है क्योंकि ये मानव होने का विशेष अधिकार है कि हम बस हो सकते हैं तभी आप मनुष्य कहलाते हैं आप सहज हो सकते हैं आप आदतों से मजबूर नहीं हैं अगर आप चाहें तो आज ही आप होशपूर्वक विकसित हो सकते हैं आप चाहें तो इसमें लाखों वर्ष नहीं लगेंगे क्योंकि हमारा विकास अब शारीरिक नहीं बल्कि सचेतन है हर दूसरे प्राणी के लिए यह तय है प्रकृति ने दो रेखाएं खींची हैं उन्हीं में बाकी प्राणी जीते और मरते हैं पर इंसान के रूप में पैदा होने पर बस नीचे की रेखा खींची है ऊपर की रेखा नहीं है इंसान क्या बन सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है तो लोगों से जुड़ने से पहले यह अच्छा होगा कि हर दिन सुबह या जीवन का कुछ समय अगर आप खुद के साथ थोड़ा समय बिता कर देखें कि यह किस तरह से कल से थोड़ा बेहतर हो सकता है यह जीवन ये कल की तुलना में थोड़ा बेहतर कैसे हो सकता है क्योंकि ज्यादातर लोग जरूरतें पूरी करने के लिए जुड़ते हैं वे इसीलिए एक दूसरे से जुड़ते हैं कुछ लोग किसी उद्देश्य की वजह से जुड़ते हैं कुछ लोग साथ में खाने पीने और रहने के लिए जुड़ते हैं क्योंकि वे अकेले नहीं रह पाते ये चीज हर इंसान को करनी चाहिए कुछ समय के लिए आप ये कीजिए बस 24 घंटे हर चीज से ब्रेक लीजिए आज नहीं आप लोगों के बीच है कभी ब्रेक लें, बस 24 घंटे न तो कुछ पढ़िए न टीवी न फोन का उपयोग बस अपने कमरे में बैठिए सतर्क रहिए सोइए मत तब आप अपने मन की प्रकृति देखकर खुद कहेंगे कि ये पागल आदमी है क्योंकि अधिकांश लोगों का मन तभी तक कहीं टिकता है जब वे काम करते हैं वरना वे सहज नहीं हो पाते कंपल्सिव स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इज ऑन मानसिक हलचल की मजबूरी है ऐसी हालत में जीवन सहज नहीं हो सकता यानी हम आपको मनुष्य नहीं कह सकते सहजता जरूरी है तभी तभी मेलजोल का फायदा होगा अगर आप अकेले रहना जानते हैं तो दूसरों से जुड़ना बेहद फायदेमंद और बहुत मूल्यवान होगा क्योंकि तब आप जागरूकता के साथ जुड़ेंगे